हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ क्लॉथ्स में आज मैं बना रही हूँ ये मिनिएचर हेड बनाना। इसके लिए मैंने ये एक फोम शीट का टुकड़ा लिया है। इसकी जगह हम चाहे तो कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी ले सकते हैं और इसे हम इसे राउंड शेप देके और सेलो टेप की मदद से चिपका देंगे। और देखिए, गोल शेप में इस तरह से ये हो जाएगा। हमें जितना भी लंबाई चौड़ा बनाना है उस तरह से हम इसे ले लेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी साइज की हैट बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कलर का ये ऊन लिया है। इसे हम ये इस तरह से आपस में दो कलर में मिला लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से पीस कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसे ये जो हमने गोल शेप बनाया है इसके अंदर इस तरह से नॉट लगाते हुए, ये देखिए, ये इस तरह से मैं नॉट लगाते हुए ये ऊन के टुकड़े को इसमें लगा दूंगी। इसे हम कलर वाइज लगाएंगे, जैसा हमें कलर रखना है उस तरह से। यहाँ पर मैं दो कलर की ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे चार भाग में डिवाइड कर लूंगी और इस तरह से मैं यहाँ पर नॉट लगाते हुए इस पूरी हेड को मैं कवर कर दूंगी। देखिए मैंने पहले इस लंबे ऊन के धागे को फोल्ड किया है और इस तरह से बीच में रखा और जो खुला वाला भाग है इसमें से राउंड शेप में से हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से ये बनती जाएगी। जो सारी ऊन के जो धागे हैं लंबे लंबे, हम सब एक ही साइड में इसे खुला रखेंगे और दूसरी साइड से हम इसे बंद रखेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा शेप बन जाएगा। हम चाहे तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं या हम चाहे तो धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ऊन लिया है। इस तरह से मैंने पूरी बना दी है। और ये लड्डू गोपाल जो भगवान होते हैं उन्हें हमें पहनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। देखिए ये पूरी मेरी, अब ये मैंने सारे नॉट लगा लिए धागे की इस तरह से। अब मैं इस तरह सबको ऊपर इकट्ठा कर दूंगी और एक ऊन का टुकड़ा लेकर इन सबको इस तरह से हम बांध देंगे ऊपर से। ये हम अच्छे से बांध देंगे इस तरह को और अच्छे से सेट कर लेंगे बिल्कुल टोपी के शेप में। और जो ऊपर के जो फुंदे हैं हम इन्हें एक जैसा ऊपर करके और इनकी कटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने नॉट लगा दी ताकि खुले नहीं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जितने भी जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ये बनकर इस तरह से ये तैयार हो जाएगी मिनिएचर हैट। बन चुकी है लड्डू गोपाल के लिए मिनिएचर हैट।